हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फोर्थ राउंड एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब कि जो रीप ने अनाउंस किए थे कि हमारे फोर्थ राउंड के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे 19 तारीख से। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे, मतलब बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया रीप की साइट पे फोर्थ राउंड के लिए अप्लाई करने का कुछ भी ऐसा पोर्टल नहीं दिया है अभी तक, या फिर वो स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सॉरी मैं थोड़ा डिले हो रहा हूँ आजकल, क्योंकि यार जिनको पता होगा कि अभी एमबीएम के अंदर एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको पूरा अपडेटेड अप टू डेट रखूं और सब वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। देन अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है स्पोर्ट राउंड के अंदर। देखो, स्पोर्ट राउंड के अंदर अप्लाई करने के लिए ना आपको रीप की जरूरत नहीं है, मतलब रीप की ऑफिशियल साइट पे अब वो काम नहीं होगा जैसा कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो के अंदर बताया था, मतलब परसों वाली वीडियो के अंदर, कि उसके अंदर वहां पर लिख रखा था साफ साफ कि जो ये होगा वो इंस्टीट्यूट लेवल पर होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन आप वो वीडियो पहले देखो, क्योंकि उसके अंदर ही आपको पता चलेगा कि कौन सी डेट कब है, कब लास्ट डेट है, कब इंटरनल राइडिंग का रिजल्ट आएगा, सेकंड इंटरनल राइडिंग का, कब आपका सेट मैट्रिक्स होगा, कब आपको सीट अलॉटमेंट होगा, कब आपको रिपोर्टिंग करनी है। वो वीडियो सब कुछ मैंने कवर किया है उसके अंदर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देन फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर लेना उसे। उसके अंदर मैंने बता रखा है कि आपको कब क्या क्या शेड्यूल है और क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या उसके दे रखे हैं, मतलब सब कुछ शेड्यूल दे रखा है एक तरीके से। तो अब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर आप CTAE, ठीक है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर अप्लाई कैसे करते हो स्पोर्ट राउंड के लिए। ये जो है स्पोर्ट राउंड हर कॉलेजेस का अलग अलग होगा, मतलब आपको एक ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही जगह अप्लाई करके सबके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं, आपको जिस कॉलेज के स्पोर्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है देन आपको पर्टिकुलर कॉलेज उस कॉलेज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपको चार कॉलेज के स्पोर्ट राउंड के अंदर, मान लीजिए कि आपको चार कॉलेज के स्पोर्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है देन आपको चारों कॉलेज के वेबसाइट पर अलग अलग जाके अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो कॉलेजेस जो मैंने बताया था कि अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अखबार के अंदर देना जरूरी था, देन आज के जो पेपर है उसके अंदर नोटिस आता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह उसके अंदर डाल रखा है, एमएलबी ने डाल रखा है, एमपीएम ने डाल रखा है और जब सब कॉलेज ने डाल रखा है। लेकिन मैं एक एक, क्योंकि देखो गाइस एक ही वीडियो के अंदर 5 से 6 कॉलेजेस के बारे में बताना वो वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाती है, ज्यादा लोग देखते भी नहीं है लंबी साइज की वीडियो, तो छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं आपको पर्टिकुलर एक एक कॉलेज के बारे में बता दूंगा। तो शुरुआत करता हूँ CTAE के अंदर कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है गूगल पे और वहां पे CTAE की साइट खोलनी है, ठीक है। जैसे ही आप CTAE की साइट खोलोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगी CTAE.ac.in, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रही है CTAE.ac.in, यहाँ पे आपको जाना है। अब क्या करना है आपको यहाँ पे एडमिशन वाले सेशन के अंदर, ये देखो एडमिशन वाले सेशन के अंदर आप जैसे जाओगे यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कि एडमिशन कैसे क्या होना है, अबाउट CTAE, ये सब कुछ CTAE के बारे में दे रखा है। और अपने को जो जाना है कि स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई करना है, फर्स्टली अपने को जाना है बीटेक एडमिशन नोटिस एंड फॉर्म 2020 और ब्रैकेट में लिख रखा है स्पोर्ट राउंड, ये चीज अपने को क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको अगर मैंने तो ये पूरा खंगाल रखा है, ठीक है, तो देन आपको भी ये यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद में जो फॉर्म और नोटिस जो दे रखा है इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना। मैंने पढ़ रखा है, मैं आपको एक बार ब्रीफ समरी दे देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक बार पूरा पढ़ के बता ही देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे ऊपर कॉलेज ऑफ CTAE उदयपुर लिख रखा है और बीटेक एडमिशन नोटिस फॉर 2020, ठीक है, स्पोर्ट राउंड। अब लिख क्या रखा है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट आर ऑन प्रीसीड फॉर्मेट इन सपोर्टिंग टू द स्पेशल राउंड ऑफ 2020 ऑन फ्यू वैकेंट सीट, मतलब सीटें बहुत कम है, ध्यान रखना गाइस सीटें बहुत कम है, फ्यू लिख दिया उन्होंने बिल्कुल, ठीक है। देन आप ये मत सोचना कि जितनी उन लोगों को मिली थी जो रीप के ऑफिशियली तरीके से मिली थी वैसे मिलेगी, नहीं, थोड़ी कम सीटें हैं, मतलब बहुत कम सीटें। और कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक लास्ट डेट है, तो 19 तारीख अक्टूबर 2020 से लेके 11 नवंबर 2020 अप टू 3 PM तक इनका टाइम है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का क्या माध्यम है, कैसे अप्लाई करना है, वो सबसे बेटर है अपने को जानना है। तो अपने को कैसे जानना है कि द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड आइदर ऑफलाइन एट CTAE, ठीक है, या तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है CTAE जाकर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, या फिर उदयपुर और ऑनलाइन एज सिंगल PDF फाइल इंक्लूडिंग और द, अच्छा, या फिर आप एक सिंगल PDF फाइल बना सकते हो और वहां पे लिख सकते हो कि वहां पे आप ये जो मेल दे रखी इन्होंने ssctae1964@gmail.com यहाँ पे आप जमा करा सकते हो। इससे जमा कराने के बाद में आप मेल कर सकते हो उनको, ठीक है, देन यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये रहेगा ऑफलाइन जाके सबमिट मतलब करवा दो, क्योंकि यार आपको कुछ ना कुछ डिटेल्स और पता लगती है कि कौन सी सीट के अंदर कौन सी ब्रांचेस के अंदर कौन सी सीट वेकेंट है, वो भी आप पता लगा सकते हो। और
अगली बात जो इन्होंने दे रखी है कि कितने पैसे लगेंगे आपके, तो वो 250 रुपए लगेंगे। अब यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो फीस ले रहे हैं, मतलब अगर ये जीमेल से ले रहे हैं तो इनको फीस कैसे पेमेंट करेंगे अपन, ठीक है। तो वो मेरा मानना ये, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जी हाँ इन पे, लेकिन आप बैंक डिटेल भी दे दिए इन्होंने कि इस पे जमा करा दीजिए, तो आई डोंट थिंक कि ऑनलाइन इतना, मतलब मुझे नहीं लगता, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। फीस स्ट्रक्चर भी इन्होंने दे रखा है अकेडमिक का, ठीक है, ये इनकी सिर्फ ट्यूशन फीस है, मतलब कॉलेज फीस है। अगर आपकी हॉस्टल लेना है देन हॉस्टल के लिए अलग फीस है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर और माइनिंग का अलग ये दे रखा है कि गर्ल्स एंड राजस्थान स्टूडेंट और SC ST एंड अदर के लिए इतना। टोटल फीस आपकी SFS के अंदर 45,080 रुपए जो मैंने पहले बताई थी वही है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अप्लाई करते वक्त, वो भी इन्होंने पूरी लिस्ट दी है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, TC, माइग्रेशन, मेडिकल, कैरेक्टर, कास्ट, अगर OBC है तो मिक्स, 6 महीने पुराना ही, 6 महीने मस्ट बी 6 मंथ ओल्ड, मतलब 6 महीने पुराना एक्सेप्ट होगा। और कैंडिडेट आधार कार्ड वगैरह, पासबुक वगैरह, ये सब कुछ आपको लेके चलना है। इनकी कितनी कॉपी लेके जानी वो भी आपको लिख करके, ठीक है। देन ये आपको लेके चलनी है ऑफलाइन। फीस आपने इन्होंने बता दी इतनी सी है आपको, मतलब फीस सीट मिलेगी देन आप लोगे, ऐसा है, ठीक है। तो इनका ये सब कुछ फॉर्म वगैरह है, और इनको जमा करा के, इसको, इस फॉर्म को जमा करा के आपको वहाँ जमा करा देना भर के ऑफलाइन कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, पता चल गया होगा आपको कि कैसे अप्लाई करना है आपको, या तो ऑफलाइन है या फिर इनको इसका एक PDF बना के उनको मेल करना है। और उनकी जो साइट, ये बैंक डिटेल्स दे रखी है, बैंक डिटेल्स ये दे रखी है, देखो ये रही, तो इसके ऊपर आपको फीस पेमेंट करनी है 250 रुपीज का। आपको हर कॉलेज के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। आप MBM के अंदर देखना चाहते हो अपना नंबर आता है या नहीं आता, देन आप MBM के लिए अप्लाई करना चाहोगे, देन आपको CTAE के अंदर अप्लाई करना, देन CTAE के अंदर, देन आपको RTO का, तो वो सबका मैं एक एक वीडियो बनाता रहूंगा। उम्मीद है वीडियो जहां तक लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूँ इस वीडियो यहीं पे। तो कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना मत भूलना। आपके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मतलब बहुत जल्दी, जितना मेरे से हो रहा है उतना जल्दी कर रहा हूँ, ओके। तो अगली वीडियो आती है RTO या MBM के ऊपर कि आपको वहां पे कैसे अप्लाई करना है, देन स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तुम्हारे भाई का ही चैनल है, तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, एज ऑलवेज सी यू, हैव अ गुड डे। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these